प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के प्रवेश द्वार के सामने आज दोपहर शाम को अचानक कुछ दबंग लड़कों के द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार युवक और युवती पर हमला कर दिया गया। लड़कों ने मोटरसाइकिल सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। लोगों के द्वारा शोर मचाए जाने पर वह वहां से भाग गई, लेकिन यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावर लड़के इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र है और खबर लिखे जाने तक संजय सिंह नाम के एक लड़के को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मार खाने वाला अच्छा सूरज दुबे प्रयागराज रिजर्व पुलिस लाइन में इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र दुबे का लड़का है और उसके साथ की युवती भी प्रयागराज पुलिस लाइन की निवासी है। लड़कों ने उपरोक्त लड़के पर किस लिए हमला किया और इस मारपीट के क्या कारण है, यह अभी अज्ञात है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर इसका अनावरण कर लिया जाएगा। फोन किया था कि कोई पकड़ा गया, हाँ तुरंत चेक करके बताओ। सूरज दुबे नाम का एक युवक है जिसकी जिसके साथ मारपीट किए हैं कुछ लड़कों ने और इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी और तहरीर दी जाएगी और जो जितना सही है ये बिल्कुल सही है कि उसके साथ मारपीट की गई है, तो जो भी मारपीट की धाराएं होंगी उनमें कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ प्रारंभिक रूप से कोई मामला सामने आया है कि क्या कारण थे? नहीं, कारण वगैरह अभी नहीं प्रकाश में आया है, अभी जब बातचीत होगी उससे लड़के से। प्रयागराज के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में स्थित होटल यशपद कॉन्टिनेंटल के ड्यूटी मैनेजर की होटल के कमरा नंबर 106 में रहस्यमय परिस्थितियों में लाश बरामद हुई है। मृतक मैनेजर शरद मूलतः बंगाल के दार्जिलिंग वेस्ट के रहने वाले हैं और कल रात लगभग 11 बजे अपने कमरे में सोने गए थे और जब आज देर दोपहर तक कमरे के बाहर नहीं आए तो कमरे के दूसरे कर्मियों द्वारा होटल के मालिक योगेश गोयल को सूचना दी गई और सूचना पाते ही होटल के मालिक ने पुलिस के साथ होटल पहुंचे और पुलिस के सामने ही कमरे का दरवाजा तोड़ा गया जिससे अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में नग्न अवस्था में मृतक की लाश पाई गई है। अब पुलिस हत्या आत्महत्या दोनों ही पहेलियों को सामने रखते हुए जाँच कर रही है। ये हमारे होटल में ऑपरेशनल मैनेजर हैं, पूरा ऑपरेशनल देखते थे और ये बेसिकली दार्जिलिंग साइड के रहने वाले हैं, बट कलकत्ता इनकी फैमिली सब रहती है और इन्होंने अभी 15 दिन पहले हमारा ज्वाइन किया। क्या नाम है इनका? शरण, मिस्टर शरण। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि कल रात को ये 10:30 बजे रूम में गए हैं, उसके बाद मॉर्निंग में ये 9:30-10 बजे ड्यूटी पे आ जाते थे डेली। आज नहीं आए तो ये हुआ कि चलो आज होटल में खाली है पूरा, क्योंकि भाई दूज की वजह से और कोई गेस्ट नहीं है, तो हो सकता हो कि आदमी आराम करना चाह रहा होगा, 2 घंटे लेट आएगा। फिर जब 12 बजे नहीं आए तो हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर राजेश तिवारी जी ने इनका रूम नॉक किया। जब दरवाज़ा नॉक किया तो इन्होंने खोला नहीं, तो इन्होंने कई बार नॉक किया तो इनको लोग तो इन्होंने डुप्लीकेट चाबी खुलना चाहा, उससे नहीं खुल रहा था, तो फिर इन्होंने जो है चाबी वाले को बुलाया। इन्होंने अंदर से डबल लॉक कर रखा था, खिड़की लगा रखी थी, तो चाबी वाले को बुलाया तो चाबी इन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि सर ऐसी ऐसी बात है और वो रूम खटखटा रहे, कोई भी नहीं रहा है और हम चाबी से करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसको और कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि वह ऐसा करो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो, उनकी नॉलेज डाल दो ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया और सब बताया, तो उन्होंने फोर्स भेजी, फिर उन्हीं पुलिस के सामने ही रूम का लॉक खोला गया है और प्लस दरवाज़ा टिकने लगी थी, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि ये इस पोजीशन पे है। तो अभी इसके आपने घर वालों को इन्फॉर्म किया है? घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया उनके। आपका परिचय? मैं योगेश गोयल, महानगर अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और इस होटल का मालिक हूं।